हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव्स का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम पेपर के ऊपर स्लीव का मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल के अपोजिट साइड यानी कि हैंड की साइड में एक एक इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग के अकॉर्डिंग आर्म होल तक हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम हाफ इंच के करीब छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेंगे। सीधी लाइन में हमें एक एक इंच का गैप देते हुए इस तरीके से कट कर लेना है इसको पेपर को। उसके बाद कटिंग के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर इसको सेट कर देंगे और जहां से हमने कट किया है वहां से एक एक इंच का गैप रखते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद मार्किंग के अकॉर्डिंग स्लीव्स के फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये देखिए, जिस तरीके से राउंड शेप में ये जो पट्टियां हैं वो आई हैं उसी तरीके से कटिंग करनी है। उसके बाद ड्रॉ किए हुए मार्क के अकॉर्डिंग एक एक इंच की छोटी छोटी प्लीट हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे। उसके बाद 2 इंच चौड़ी पट्टी हमें लेनी है और 2 बाय 2 यानि के 2 इंच की चौड़ाई और लंबाई वाली चौकोर टुकड़ी हम कट करेंगे और इस तरीके से फोल्ड करके इस पीस को एक साइड में स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से हमें 1 बाय 1 करके ऐसे टुकड़ियों को घुमाकर ऐसे पीस को बनाना है और इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। स्लीव के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इस डिज़ाइन को ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है और दूसरी ही सेम साइज की पट्टी हम इसके ऊपर रखते हुए सीधी लाइन में स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इस डिज़ाइन को हम बाहर निकालेंगे और इसको दोनों साइड से दूसरे हिस्से को हम इसको स्लीव्स के साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद दूसरे साइड की पट्टी को बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पे भी हम सीधी लाइन में स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद हमारे स्लीव्स का ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आप हर रोज़ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।